भोजपुरी सिनेमा में राजनीति तो है, बहुत है, और शायद इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे जो एक्टर्स हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं। उनको शायद इतना पता नहीं है कि उन पर क्या चीज़ सूट करता है। हर हीरो एक्शन करता है, हर हीरो गाने गाता है, हर हीरो बॉडी दिखाना, मतलब पूरी खिचड़ी, एक पूरा एक, जबकि हिंदी में ऐसा है कि जो भी हीरो हैं, जो भी स्टार्स हैं, इनको पता होता है कि इनके अंदर पॉजिटिव क्या है। कोई रोमांटिक फिल्म करेंगे चुनकर, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर रोमांटिक फिल्में अच्छी लगती हैं। कोई कॉमेडी में करेंगे, कोई एक्शन में करेंगे, बट यहाँ हर कोई हर चीज़ करना चाहता है। यहीं से राजनीति शुरू होती है, फिर वो फिल्में भी ऐसी ही बन रही हैं कि पूरी खिचड़ी पक जाती है और बाद में डिसाइड होता है, तो हर हीरो तैयार हो जाते हैं। उनको भी पता है कि फिल्म में वही सब रहना है, तो शुरुआत होती है क्रिएटिविटी से, जो कि एक मेंटालिटी बन गया है। तो ये इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, निर्माता लोगों को और डायरेक्टर्स को, कि जिस हीरो में जो पॉजिटिव है उतना ही दिखाएं, और हीरो को भी ये सोचना होगा कि हाँ अभी इसमें मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे सिर्फ यही करना चाहिए। गजनी फिल्म में आमिर खान जी ने पहली बार एक्शन फिल्म करा होगा, बॉडी वॉडी सब बनाकर, तो उसके लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितनी बार जिम गए होंगे। मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कितने महीनों का मेहनत होगा वो, तब जाकर वो गजनी में अपना शर्ट खोले। यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई भी शर्ट खोल देता है। तो अब हमारी फिल्म सिर्फ गांव में नहीं देखी जाती है, गांव की भी ऑडियंस, अब वो नेशनल फिल्म, हिंदी फिल्म के जो दर्शक हैं वही हमारे भोजपुरी फिल्म के भी दर्शक हैं। तो तुम मैच करो, जैसे हम हिंदी फिल्में जो है मैच करती हैं इंटरनेशनल लुक से, तो हीरो को एक अलग हटकर वो सब मेहनत करना ही पड़ेगा। जब उसके बाद उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब फिर अपने आप राजनीति खत्म हो जाएगी।